हेटरोजीनियस सॉल्यूशन यानी क्या होता है, देखिए द सॉल्यूशन विद नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, जिसका कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर आपने पानी में शक्कर मिलाई तो वो शक्कर मिलने के बाद वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। पर अगर हमने वाटर में ऑयल अगर मिक्स किया गाइस, तो ऑयल और वाटर जो है, ऑयल ऊपर की तरफ रहेगा तो उसका पूरा जो कंपोजिशन है उसका वो सेम नहीं रहेगा। यानी अगर आपने किसी चार बीकर में अगर वो सॉल्यूशन ट्रांसफर किया ऑयल और वाटर का, तो क्या हर बीकर में उसका कंपोजिशन सेम रहेगा? किसी बीकर में ऑयल ज़्यादा रहेगा, किसी बीकर में कम रहेगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म, उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म। पर अगर हमने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लिया और 10 बीकर में भी उसको ट्रांसफर किया तो हर इसमें उसका कंपोजिशन सेम रहेगा, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। हेटरोजीनियस यानी ऑयल में अगर हमने वाटर ऐड किया और उसको जो उसका कंपोजिशन होता है वो नीचे की तरफ ऑयल कम रहेगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो उसका कंपोजिशन ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन में सेम नहीं रहेगा, तो उसी को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और उसकी प्रॉपर्टीज भी जो है थ्रू आउट सॉल्यूशन वो डिफरेंट रहेगी। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसको बोला जाता है हेटरोजीनियस सॉल्यूशन।